स्पाइडर प्लांट आज के टाइम में एक बहुत ही कॉमन हाउस प्लांट है और ये पौधा वर्ल्ड वाइड काफ़ी ज़्यादा फेमस है। इस पौधे की पत्तियां गमले के चारों ओर फैली हुई होती हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा प्यारी लगती हैं। इनमें अलग अलग वेरिएशन होता है। खूबसूरत दिखने के साथ साथ इस प्लांट के और भी कई बेनिफिट्स हैं, तो टोटल हम यहाँ पे 6 ऐसे रीज़न 6 ऐसे बेनिफिट डिस्कस करेंगे जिनकी वजह से आपको इस प्लांट को ख़रीदना चाहिए, और इन रीज़न्स की वजह से ये प्लांट काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये एक नेचुरल एयर प्यूरिफाइंग प्लांट है और ये बात नासा अप्रूव्ड है कि ये पौधा एक बहुत ही अच्छा नेचुरल एयर प्यूरिफायर है। इस प्लांट को घर में लगाने से घर की हवा शुद्ध होती है। ऑफिस में आप इसे लगा सकते हैं। एक टेबल प्लांट के रूप में भी बहुत अच्छा काम करता है ये पौधा। आजकल एयर पोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, तो इस प्लांट को लगाकर आप अपने आसपास की हवा को शुद्ध बना सकते हैं। तो इस हिसाब से ये प्लांट बहुत ही बेनिफिशियल है, तो इसे आप अपने घर में ज़रूर लगाएं। इस प्लांट के हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं, क्योंकि ये एयर को प्यूरिफाई करता है। तो इस वजह से ये पौधा जिन लोगों को सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, सांस से रिलेटेड जिनको दिक्कतें होती हैं, तो उनके लिए पौधा काफ़ी अच्छा है। दूसरा, ये प्लांट स्ट्रेस को दूर करने में भी काफ़ी ज़्यादा मददगार है। अगर आप इस प्लांट की रोज़ाना केयर करते हैं, रोज़ाना इस प्लांट को नोटिस करते हैं, देखते हैं, तो आपको सच में बहुत अच्छा फील होगा। ऐसा आप ज़रूर करके देखिए। तो जैसे स्नेक प्लांट और डायफेनबैकिया यानी डम्बकेन की पत्तियों को तोड़ने से और टच करने से मना किया जाता है, तो इस प्लांट के साथ ऐसा नहीं है। ये आपके पेट्स के लिए सेफ़ है। वो इसे टच भी कर सकते हैं और तोड़ भी सकते हैं, तो भी उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इस प्लांट को आप इंडोर प्लस आउटडोर दोनों जगह पे रख सकते हैं। इंडोर आप इसे विंडो के पास रख सकते हैं, और आउटडोर इस प्लांट को आप सेमी शेडिड एरिया में रख सकते हैं। इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट में ये प्लांट बहुत ही अच्छे से चलता है। तो ये इंडोर प्लस आउटडोर दोनों तरह का प्लांट है, और इसे बहुत ही ज़्यादा मतलब ठंडा या बहुत ज़्यादा गर्म मौसम की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल टेम्परेचर में ये प्लांट बहुत अच्छे से सर्वाइव करता है। इस प्लांट की एक बहुत ही अच्छी खासियत ये है कि आप इसे एक प्लांट से काफ़ी सारे प्लांट्स ले सकते हैं। जैसे हमारे पास एक सिंगल पौधा है ये, और इसमें इस तरीके से रनर्स आके, और देखिए एक ही रनर से कितने सारे आपको बेबी प्लांट्स मिल जाते हैं। तो इस तरीके से इस प्लांट का प्रोपेगेशन करना भी बहुत आसान है। आप इसे पानी में भी प्रोपेगेट कर सकते हैं। एक्वेटिक प्लांट भी है ये, और साथ साथ आप इसे गमले की मिट्टी में भी लगा सकते हैं। दोनों तरीके से ये प्लांट बहुत ही अच्छे से चलता है। छोटे छोटे इसमें फ्लावर्स आते हैं, और इस तरीके से काफ़ी सारे बेबी आते हैं इस प्लांट के। तो ऐसे करके इसमें काफ़ी सारे नए प्लांट्स आप ले सकते हैं एक ही पौधे से। तो ये भी इसका बहुत ही अच्छा बेनिफिट है। इसमें जब रनर्स आते हैं, तो रनर इसके चारों तरफ इस तरीके से फैल जाते हैं। तो एक ही प्लांट जो है काफ़ी ज़्यादा संख्या में, यानी कि हम कहें 100-200 बेबी प्लांट्स इसमें से आराम से आप ले सकते हैं। और बहुत ही अच्छे से इसका प्रोपेगेशन किया जाता है, बहुत ही आसान तरीके से। सो ये भी इसका एक बहुत ही अच्छा बेनिफिट है। ये एक लो मेंटेनेंस प्लांट है। इसे बहुत ही कम केयर की ज़रूरत होती है, और इस हिसाब से बिगनर्स के लिए ये पौधा काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। इसे बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती, बहुत ज़्यादा इस प्लांट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। आप इसे कुछ समय के लिए अगर इग्नोर भी करते हैं, तब भी ये प्लांट जल्दी से ख़राब होने वाला नहीं है। बहुत ज़्यादा पानी इसे नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा खाद इसे नहीं चाहिए, और साल में आप इसमें 3 से 4 बार खाद ज़रूर दीजिए। बीच बीच में अगर आप बहुत ज़्यादा अवेयर हैं प्लांट्स के लिए, तो आप इसे लिक्विड फर्टिलाइज़र वगैरह दे सकते हैं। और स्टार्टिंग में आप इसमें काउडंग कंपोस्ट मिला के, या फिर वर्मी कंपोस्ट जो भी आप इसके सोइल में मिला करके और इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा टाइट सोइल इस प्लांट के लिए नहीं लेनी है, लूज सोइल में इस प्लांट को लगाना है, ताकि इसकी जड़ें अच्छे से फैल सके, अच्छे से ये प्लांट अपना प्रोपेगेशन कर सके। ये पौधा बहुत अच्छे से बढ़ता है, और बहुत ही अच्छा प्लांट है। लो मेंटेनेंस प्लांट है, कम केयर वाला प्लांट है। तो
तो इसे आप थोड़ी सी केयर में और काफ़ी सारे बेनिफिट्स इस प्लांट के ले सकते हैं। तो इस हिसाब से भी ये प्लांट काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे हैप्पी एंड हेल्दी। थैंक यू।